देश की भी जो है गौतम में गांधी जयंती मनाई जा रही है बड़े जोर खरोश से। गांधी जी की जो विचारधारा थी उसके ऊपर हमारा देश जो है आज भी काम कर रहा है। बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि देश के हर एक शहर के बीच, हर एक गांव में, हर एक गली के बीच जो है आज स्वच्छ भारत अभियान जो है चलाया जा रहा है। सभी जो है देशवासी जो हैं अपने अपनी जगह पर जो हैं स्वच्छ भारत का अभियान कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है आज के इस दौर में, ताकि गांधी जी की जो विचारधारा थी उस पर जो देश चल रहा है एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है। और ऐसा प्लेटफार्म हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस देश को अगले जाने के लिए जो संकल्प लिया है उस पर आज देश काम कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी देशवासियों को, और मेरी साथ साथ ये अपील भी है कि चाहे 2 अक्टूबर का दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, जब हमें मौका मिले हमें अपने पार्क की, अपनी गली की, अपने मोहल्ले की जो है खुद सबने मिलजुल करके उसमें सफाई करनी है, ताकि उसमें एक तो हमारा एकता बनी रहेगी, एक जो हमारी नई आने वाली जो नई जनरेशन है उसके भी जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा, ताकि जब जैसे भी हम मार्केट में जाते हैं, जब मोहल्ले से किसी भी दुकान में कोई सामान परचेज करते हैं, तो जैसे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, कुरकुरा या टकटा खाते हैं, खा के वो रोड के दाएँ बाएँ फेंक देते हैं, उससे क्या है कि हमारे शहर का नाम भी जो है हाईलाइट होता है और हमारे मोहल्ले का नाम भी हाईलाइट होता है। आज जो है हर एक बच्चा जो है एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, बस मोबाइल है बच्चों के पास। देखिए कि बाहर के विदेश के जो शहर हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उन कंट्रियों की भी देखिए कि आदमी वहाँ पर जो है बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता। ऐसी भी चीज़ हम कोई कचरादान के अलावा कहीं डालते हैं, डस्टबिन के अलावा कहीं बाहर फेंकते हैं, तो उसी टाइम यहाँ पर जो है हमारे को वहाँ पर चालान काटा जाता है। और मैं यही भारत के प्रधानमंत्री से, खास तौर पर डीसी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे पुंछ के बीच भी ऐसा कानून लाया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा पुंछ जो है ये तो पीर फकीरों की धरती है, और साथ साथ हरा भरा रहेगा हमारा पुंछ। साफ़ सफाई के ध्यान से देखा जाए, अगर हम चालान काटेंगे पुंछ में भी, हर जगह पे ऐसा कानून होना चाहिए ताकि सफाई जो है कामयाब रहे, शहर हमारा साफ़ सुथरा रहे, शहर गंदा ना रहे। आज देखिए हमारे बच्चों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के बीच जो है आज हमने स्वच्छ भारत का अभियान किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने यहाँ पर ये सफाई का अभियान किया है। मैं समझता हूँ कि ये मैसेज जो है पूरे पुंछ में और पूरे जम्मू कश्मीर में जाएगा, और लोगों को इससे अवेयरनेस मिलेगी, और लोग इस चीज़ को जो है फॉलो करेंगे, और जमीन सतह पर लोग जो काम करेंगे, और कार्यकर्ता जो जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी वो मिलजुल के काम कर रहे हैं। इससे अच्छा यह है कि हम आज देखिए कोविड-19 की सेकंड लेयर खत्म हो गई है, थर्ड लेयर आने वाली है। इस सफाई से जो है हम अपने आप को जो है सेफ रख सकते हैं, अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। जैसे हम अपने घर में सफाई करते हैं, ऐसे अगर हम अपनी गली में, पार्कों में सफाई करेंगे, क्योंकि पार्क के बीच भी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग शाम को बैठते हैं, सुबह शाम वॉक करते हैं, सैर करते हैं, तो उनको भी कोई परेशानी ना है, क्योंकि आज का
का जो दौर है, सबसे पहले जो है हमने अपने हेल्थ भी सोचना है। इसी पे मैं आज गांधी जयंती के ऊपर मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि वक्तन वक्तन आप कवरेज के लिए आते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के बीच स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है। मैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ, और हमें स्वच्छ भारत का जो अभियान है हमेशा करते रहना चाहिए, ना कि हमें 2 अक्टूबर को देखना है जब